फोन ले जाना बाहर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलटी सीरीज की, जो हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एलटी की सीरीज स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो पूरी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है ना, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है। मुझे ये नहीं याद कि इसमें कितने वीडियोस हो गए हैं, मगर आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि भाई बहुत कम चीज़ों को करके हम एक बहुत बेहतरीन जॉब ले लें, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मेहनत आप उनसे पूछिए जो सेलेक्ट हुए हैं, कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क, कितना खून पसीना, कितने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए होंगे। तो ये मत सोचिए कि तकिए के नीचे किताब रख के सो जाएंगे तो सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत चीज़ें जो बहुत आसान लग रही हों, और या कोई रास्ता ऐसा लग रहा हो बहुत आसान है, या कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि जो बहुत, हाँ अगर ये कोई आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए कि भाई ये चीज़ कर लो और उससे तुम्हारा हो जाएगा, तो मेरी बात मान के चलिएगा कि समटाइम्स देर आर थिंग्स विच आर टू गुड टू बी ट्रू, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए। और दूसरी एक चीज़ याद रखिएगा कि शायद आप में से बहुत लोगों को एलटी के इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तो आप लोग ना प्लीज़ यूपीपीएससी की साइट पर जाकर एलटी के बारे में जानिए कि किस तरीके की इसकी जॉब है, क्या कैडर होता है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए और तब रास्ता जो है वो चुनिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रामर का सेक्शन जो है वो लेकर आई हूँ। उसमें स्पॉटिंग द एरर के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, मैंने इसमें वेस्टलैंड, जो वन ऑफ द टफेस्ट पोएम्स में से एक मानी जाती है, तो अगर ये पोएम्स हैं तो इसको आपको कैसे पढ़ना है। आज मैंने वेस्टलैंड के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, वेस्टलैंड पोएम को कैसे पढ़ना चाहिए, अगर टेक्स्ट के बीच में से क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे पढ़ना चाहिए, दैट आई विल लेट यू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलटी ग्रेड इंग्लिश टीएस इलियट द वेस्टलैंड एंड ग्रामर, बी योर ओन स्टार। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं आपको एक और चीज़ है, टीजीटी का बैच एट द एंड ऑफ नवंबर जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बैच इवनिंग का रहेगा और ग्रामर और लिटरेचर दोनों उसमें होगी। एट द एंड ऑफ नवंबर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो मैं बहुत तेज बोल रही थी, अब मैं धीरे धीरे बोल के आपको चीज़ें समझाऊंगी। ही डज नॉट, पहले हमारे क्वेश्चंस को देखिएगा और आपको अगर इन क्वेश्चंस में समझ के चलिएगा, ये क्वेश्चंस वो हैं जिनमें तीन तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को ले रखा है। जैसे इसमें है एडजेक्टिव का है, प्रेपोजिशन का है, तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर एज टू हिज मेरिट्स। ही डज नॉट सीम टू बी, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोगों को अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं और अगर आप उनमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढ सकें कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो आप याद रखिएगा बहुत से क्वेश्चंस आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आपको कह सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से सॉल्व होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होते हैं। जैसे कई बार होता है इस वर्ड को नाउन में चेंज करिए, इस वर्ड को वर्ब में चेंज करिए, तो अनलेस यू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो चलिए जैसे ये है, ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो अवेयर नहीं है टू हिज मेरिट्स, वो अपनी मेरिट्स से अवेयर नहीं है। तो अवेयर, अब यहाँ पर हिज मेरिट्स, जब किसी का किसी चीज़ पे अधिकार बताया जाता है तो अधिकार बताने के लिए जो हम लगाते हैं, पजेसिव केस लगाते हैं, वो लगाते हैं ऑफ। ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ हिज, अवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं और हिज मेरिट, ऑफ जो है वो मेरिट के पे क्या उसकी, ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ हिज मेरिट। अवेयर ऑफ किसके बारे में, अपनी मेरिट के बारे में, तो अवेयर के साथ ऑफ प्रिपोजिशन लगता है, पजेसिव केस का काम करता है, तो अवेयर के बाद लगाते हैं ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, बिटवीन एवरी ब्लो ऑफ द हैमर द ब्लैक स्मिथ लुक्ड अप एट द डोर।
एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूं, बिटवीन के बाद अगर आप एवरी लगा दोगे या ईच लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि बिटवीन जो है वो दो के लिए यूज करते हैं और एवरी और ईच जो होता है वो प्रत्येक के लिए यूज करते हैं। तो या तो आप लगाए बिटवीन एवरी ब्लो एंड द अदर, बिटवीन एवरी ब्लो ऑफ द हैमर एंड द अदर द ब्लैक स्मिथ लुक्ड अप एट द डो। तो आप या तो इसे ऐसे कर सकते हो क्योंकि बिटवीन एवरी ब्लो एंड द अदर ये दो के बारे में बात हो गई, लेकिन बिटवीन कभी भी ईच और एवरी से पहले नहीं आता क्योंकि ईच और एवरी एक को बताते हैं और बिटवीन दो को बताते हैं। तो भाई क्या लगाएंगे? तो यहां प्रीपोजिशन ये गलत लगा हुआ है, तो यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, यहां आएगा आफ्टर एवरी ब्लो। अगर आपको बिटवीन लगाना ही है तो आपको उसके साथ एंड द अदर का यूज करना होगा। As we see, she appears to be unreasonable, anxious about her pleasing, about pleasing her husband. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको parts of speech बहुत अच्छे से आते हैं तो you will be able to answer the questions correctly. अब ये है as we see, she appears to be unreasonable, anxious. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि anxious कौन सा part of speech है, तो anxious part of speech है adjective. She is anxious. वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, तो ये उसकी quality बता रहा है, she की quality. अब adjective की जो degree बढ़ाता है, जो adjective को modify करता है, वो कौन होता है? Adverb. Unreasonable is an adjective. अब adjective में ly जोड़ देते हैं तो वो adverb हो जाता है। तो ये हो जाता है as we see she appears to be unreasonably. तो यहाँ पर आप लगा देंगे unreasonably. She appears to be unreasonably. तो see part में है, adjective को modify कौन करता है? Adverb. तो question number 3. The landscape of Kashmir is by far more enchanting of all. ये क्वेश्चन आप यहां से पढ़िए, अगर कहीं पर भी आपको ऑफ ऑल दिख रहा है तो वो इंडिकेटर है सुपरलेटिव डिग्री का। ये है इंडिकेटर सुपरलेटिव डिग्री का। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में लिटरेचर लोटिया नहीं डुबोती है, ग्रामर लोटिया डुबो देती है, क्योंकि लिटरेचर इतना इंटरेस्टिंग होता है। दैट्स व्हाट आई विल जस्ट लिव लिटरेचर। तो जो मेरे से पढ़ते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, वो भी धीरे धीरे लिटरेचर में बहुत रुचि लेने लगते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग लिटरेचर। तो लिटरेचर मेरा मानना ये है कि अगर आप एक बार दो बार उसे पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन ग्रामर का ये है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो छोटी छोटी चीज़ों में ही आप गलती करते हैं। तो मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि जब आप तैयारी करने बैठें तो लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर को इक्वल या ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा। तो आप ये मान के लिटरेचर को वैल्यू देनी है, ये नहीं कि उसे साइडलाइन कर देना है, लेकिन लिटरेचर इंजॉय करके पढ़िए तो ग्रामर भी इंजॉय करके पढ़िए और बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये याद रखिएगा। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एंचेंटिंग ऑफ ऑल। अब ये देखो ऑफ ऑल जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री है और ये मोर जो है ये कंपैरेटिव है। अगर आपको ऑफ ऑल दिख रहा है, कंपैरिजन जो है वो तीन से ज़्यादा के बीच में किया जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ आएगा द मोस्ट एंचेंटिंग ऑफ ऑल। तो यहाँ गलती है इसी पार्ट में, यहाँ पर द मोस्ट का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंट एज शी कुड। शी स्टेटेड टू मी हाउ, जब वर्ब से हाउ का जवाब आए तो वहाँ एडवर्ब यूज करते हैं, एडजेक्टिव नहीं। ब्लंट नाइफ, नाइफ की क्वालिटी बता रहा है ब्लंट, ब्लंट हो गया एडजेक्टिव। अब उसने मुझसे कहा कैसे? ब्लंटली। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाता है। शी स्टेटेड टू मी एज ब्लंटली। भाई अगर आपका वर्ब हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच का जवाब दे तो वो क्या हो जाता है? वहां आपको एडवर्ब यूज करना होता है। ठीक है, ही स्पीक्स फ्लुएंटली,
ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स हाउ फ्लुएंटली, ही रैन हाउ फास्ट, शी इज ब्यूटिफुल, शी की क्वालिटी, शी इज हाउ मच ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ये हो गया एडवर्ब। देवर चार्ज ऑफ हैविंग शेल्टर्ड अनार्किस्ट, देवर चार्ज ऑफ हैविंग शेल्टर्ड कि भाई उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अनार्किस्ट को जो है वो शरण दी। तो देवर चार्ज ऑफ नहीं, चार्ज के साथ जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, दे वर चार्ज विथ हैविंग शेल्टर्ड अनार्किस्ट। इट वॉज बेयरली मिड नाइट वेन आई अराइव्ड होम बट आई फाउंड बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग ऑन मी। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है यार ये एट द टेबल नहीं होगा, ये ऑन द टेबल होगा। आप इसको एक डायग्राम से समझिए। अब ये टेबल है, ये देख रहे हैं टेबल है, मैंने अपने हिसाब से टेबल ही बनाई है। अब आपने कहा सिट ऑन द टेबल, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, वो टेबल पर चढ़ के बैठ गया, तो ये ऑन द टेबल है, ठीक है। अब सिट एट द टेबल जो होता है वो टेबल के पार जो बैठना होता है, दैट वू वी कॉल सिट एट द टेबल। ऑन द टेबल नहीं बोलते कि टेबल पर बैठिए, तो वो तो लिटरली टेबल पर चढ़ के बैठ जाएंगे, दैट इज ऑन द टेबल। तो इसलिए ये एट द टेबल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वेट के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है वेटिंग फॉर मी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन ही हो गया। शी कैन अंडरस्टैंड मराठी बट शी कैन नॉट स्पीक इट प्रॉपर, शी कैन नॉट स्पीक, अभी मैंने आपको जवाब दिया था, अगर वर्ब हाउ का जवाब दे तो उसके बाद एडवर्ब लगता है, तो बट शी कैन नॉट स्पीक इट प्रॉपरली और फ्लुएंटली। अगर आप फ्लुएंट बोल रहे हैं तो दैट्स एन एडजेक्टिव, उसमें एलवाई जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब। हार्डली एनी अदर मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल एज द ताजमहल। जब हम कंपेयर करते हैं, अब ताजमहल को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब उतना जितना कहते हैं तो एज लगाते हैं। Hardly any other monument in the world is as beautiful as the Taj. किसी और monument को ताज से compare कर रहे हैं तो hardly कोई और, no other, ये no other है, no other monument in the world is as beautiful, तो no other लगता है, hardly any लगता है, तो degree कौन सी होती है, positive degree, और as का use किया जाएगा। She was noticeably upset by how indignant he responded to her final question. शी वॉज नोटिसेबली अपसेट, ये बिल्कुल सही है, अपसेट जो है वो एडजेक्टिव है, उसे नोटिसेबली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो सही है। पर हाउ इंडिग्नेंट, अब हाउ अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब के बारे में कि कैसे उसने रिस्पॉन्ड किया, तो हाउ इंडिग्नेंटली, हाउ फूलिशली ही बिहेव, तो हाउ के बाद भी एडवर्ब जो है वो यूज किया जाता है जब किसी चीज के बारे में बताया जाता है कैसे कैसे बिहेव करा, इंडिग्नेंटली, तो हाउ इंडिग्नेंटली ही रिस्पॉन्डेड टू हर फाइनल क्वेश्चन। आई डोंट नो व्हाई ही हैज बीन अनरीजनेबली एंशियस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि वो इतनी एंशियस क्यों है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है क्योंकि एंशियस एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है अनरीजनेबली, so the sentence is absolutely correct. Now the next question is, the two of three first chapter of most of the novels are dull reading. The two of three, the first the two of the first two of three two or three, ye hona aisa chahiye, two or three hoga, the two or three first chapter, to ye hona aisa chahiye जब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एक साथ आते हैं, कार्डिनल का मतलब होता है संख्या बताए जो, यानी कि 1 2 3, और जो ऑर्डिनल होता है वो क्रम बताता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में आता है, तो ये आएगा द फर्स्ट टू और थ्री, तो ये यहाँ आएगा द फर्स्ट टू और थ्री चैप्टर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉवल्स आर डल रीडिंग, तो यहाँ आएगा ये ए पार्ट में है, ये ए पार्ट में एरर है आपके इस वाले में।
next question is, he had no other wish but to see his son fixed up in a steady job. अगर कभी सेंटेंस में नो अदर आ रहा है तो उसे फॉलो जो करता है वो देन करता है. ही हैड नो अदर विश, ही इज नो अदर देन माय सिस्टर. तो नो अदर को जो फॉलो करता है वो देन करता है. ही हैड नो अदर विश देन सी हिज सन फिक्स्ड अप इन अ स्टडी जॉब. तो यहां आएगा देन. तो ये बी पार्ट में एरर है. दिस वाइडली पब्लिश्ड डिटर्जेंट, पब्लिश नहीं होगा ये पब्लिसाइज्ड होगा. This widely publicized का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है. This widely publicized detergent is not much different than the one which I have been using. Different जो है वो अपने साथ जो preposition लेता है वो लेता है from. This just is different from that. तो जब कंपैरिजन भी करते हैं तो डिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो कौन सा लगता है? फ्रॉम. तो यहां आएगा फ्रॉम कि दिस वाइडली पब्लिसाइज्ड डिटर्जेंट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द वन. तो डिफरेंट अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो फ्रॉम लेता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लता पार्टेड विद हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर. पार्टेड विद एंड देखिए ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं इनके अलग अलग जो है वो जिसके साथ जिस प्रेपोजिशन के साथ लगते हैं वर्ब उनका मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाता है. देखिए पार्टेड विथ अ थिंग एंड पार्टेड फ्रॉम अ पर्सन. तो यहां पर हम बात जो कर रहे हैं वो मदर की कर रहे हैं. तो लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड. आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड इट दैट पीपल रिकॉग्नाइज हिम एज अ सक्सेसफुल पर्सन. आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, देखिए ये दो एडवर्ब्स हैं हार्ड एंड हार्डली. हार्ड का मतलब होता है संघर्ष और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, कुछ करा ही नहीं. ठीक है, तो यहां पे आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली का मतलब तो ये हो गया कि मुश्किल से ही मेहनत करी. तो यहां होगा आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट पीपल रिकॉग्नाइज हिम एज अ सक्सेसफुल पर्सन, कि बहुत लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करा सक्सेसफुल के रूप में. सॉरी आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, देयर इज टू मेनी शुगर इन इट. ये याद रखिएगा, शुगर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे कभी भी मैनी नहीं लगाते. मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन प्लूरल के पहले लगता है. यहां हो जाएगा मैनी की जगह हो जाएगा मच, एज देयर इज टू मच शुगर इन इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स, द डिफरेंट अमंग देम आर कंसिडरेबली प्रोनाउंस्ड. अब ये क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़े तो इसमें हमें ऐसी कोई देखने में गलती लग नहीं रही है. अब आप इसे देखिए, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द कैंडिडेट. कैंडिडेट्स कितने हैं? दो. कि हालांकि देर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द कैंडिडेट, कि कुछ सिमिलैरिटीज है दोनों कैंडिडेट्स के बीच में. बट द डिफरेंस है, ये है डिफरेंस. बट द डिफरेंस अमंग देम, बात करी जा रही है दो की तो अमंग लगेगा ही नहीं, ये क्या आ जाएगा? बिटवीन. बट द डिफरेंस बिटवीन देम, जब बात दो की हो रही है तो डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में अंतर की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां अमंग की जगह क्या लगाएंगे? बिटवीन का यूज किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. द वुमन हु इज सर्टेन ऑफ अ जजमेंट इज श्योर अ मैच फॉर अ मैन हु डजंट नो हिज ओन माइंड. इज श्योर अ मैच, इज श्योरली, ये होगा यहां पर निश्चित तौर पे. निश्चित तौर पे के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं श्योरली. इज श्योरली अ मैच फॉर अ मैन.
ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच, 20 क्वेश्चन है, द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू होल्ड इट्स अपलॉज. ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, तो वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों माना जा सकता है. अगर ऑडियंस जो है वो यूनानिमस हैं, एक ही उसके सिंगर को, जैसे एक सिंगर को सुनने के लिए गए हैं, सारे लोग उसी को सुनने के लिए आए हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माना जाएगा. अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वही ऑडियंस बढ़ जाती है. तो ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ हिज स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं लगेगा, रिक्वेस्टेड द ऑडियंस, यहाँ पर टू का प्रयोग बिल्कुल गलत है. तो ये बी पार्ट में है. तो ये हुआ आपका ग्रामर वाला पार्ट. नाउ लेट्स टेक, अब यहाँ पर मैंने वेस्टलैंड जो है वो ली है. वेस्टलैंड के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, ये पोयम है क्या. देखिए, ये जो पोयम है वेस्टलैंड, ये टीएस इलियट की एक, जिसे कहना चाहिए, एक लैंडमार्क पोयम है. ये पोयम वो 434 लाइंस की है, डेडिकेट करी थी उन्होंने अपने मेंटोर एज्रा पाउंड को, जिन्हें उन्होंने इल मेगली और फेब्रो कह के पुकारा था, जो दांते के वर्क में से लिया गया था, द बेटर क्राफ्ट्समैन, क्योंकि उन्होंने ही उनके काटछाट करी थी, उनके सुझाव पे उन्होंने इसे छोटा किया था. ये पोयम जो है क्राइटेरियन नाम की उनकी मैगजीन में पब्लिश हुई थी पहले. और ये जो पोयम है, ओरिजिनली जो इलियट ने इसका टाइटल दिया था वो ये था, ही हु डू द मॉरल पुलिस, ही हु डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस. ये पोयम जो है इसके एपिग्राफ जो है वो अलग अलग जगह से ली गए हैं, जो है लैटिन एंड ग्रीक एपिग्राफ हैं. एपिग्राफ जहाँ से जो पोयम की स्टार्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग की कोटेशन होती है, उसे कहा जाता है द सेटायरिकन ऑफ पेट्रोनियस, वहाँ से लिया गया है. ये एक लैंडमार्क पोयम है. अब ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं कि जैसे टी एस इलियट की वेस्टलैंड जो है वो कितने लाइन्स की पोयम है, इसे किसे डेडिकेट करा गया है. इवन इसमें यह भी पूछा गया था कि ये पोयम जो है, ये लाइंस जो दा दा दा, वो कौन से उपनिषद से ली गई हैं, पोयम कौन से संस्कृत वर्ड पर समाप्त होती है. तो जब तक आपको टेक्स्ट नहीं पता हो वो आप नहीं ले सकते. या अ गेम ऑफ चेस का टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो मैं आज आप लोगों को, छोटा सा ही है, इसको आप लोगों को वेस्टलैंड के बारे में केवल ये बता रही हूँ कि व्हेन, जब आप कोई पोयम पढ़े ना, तो उसे उसका टेक्स्ट जरूर पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अगर टेक्स्ट के बीच में से क्वेश्चंस आए तो वो आप लोग सॉल्व कर पाए. अब देखिए, इसमें जो है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर. अब ये मैं आपको इसमें बताऊं, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, इसको ऐसे देखिए, समझिएगा कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ. तो यहां पर अप्रैल जो है वो स्प्रिंग का सीजन होता है, लेकिन यहां पर ये वेस्टलैंड है, और वेस्टलैंड में जो उसका स्पीकर है टेरेसिस, वो देख रहा है कि ये जो पोयम है ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद लिखी गई थी. और इस पोयम में दिखाया गया है कि पोएट का पूरी तरीके से एक भ्रम टूट गया था कि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी कविता कहानियों में दिखाई जाती है. तो वो अप्रैल जो मंथ है ब्रीडिंग का, यानी कि जिसमें एक क्रिएशन जन्म लेती है, एक भगवान क्रिएशन को बनाते हैं, वो क्रिएशन जन्म लेती है अप्रैल के, यानी कि वसंत ऋतु में, वो सीज़न सबसे ख़राब सीज़न है. क्योंकि ये जो लैंड है ये किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति पुष्प उसको जन्म देने के लिए नहीं है. दैट इज़ वाई कि ये एक जो मंथ क्रिएशन का मंथ है, उसे इस पोयम में क्रूएलेस्ट मंथ कहा गया है, कि नथिंग शुड बी प्रोड्यूस ऑन द वेस्टलैंड. अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, अप्रैल सबसे क्रूअल मंथ है. अगर आप ये देखें तो इनमें सबसे ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ. तो ये है क्या, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि मंथ को लिविंग एडजेक्टिव जो है वो दे दिया गया है. तो अप्रैल जो है वो एक सबसे क्रूअल मंथ है. क्यों? क्योंकि वो पैदा, उस दिन वो उत्पन्न करता है, ब्रीडिंग करता है, यानी कि जन्म देता है. अप्रैल में सबसे ज़्यादा जो है क्रिएशन, सबसे ज़्यादा उत्पत्ति होती है. लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, क्या खिलते हैं? पर्पल कलर के फ्लावर्स लिलैक्स जो है वो खिलते हैं. लिलैक, अब ये सिम्बोलिज्म है, लिलैक इज द सिम्बल ऑफ फर्टिलिटी. लिलैक्स जो हैं वो खिलते हैं, और
लिलैक्स आउट ऑफ द, कि ये वो सीजन है कि जो डेड लैंड है, डेड लैंड का मतलब इस बंजर जमीन में भी पर्पल कलर के फूल खिलाते हैं। यानी कि इस बात का क्या मतलब है ये आगे की लाइन से समझाती हूँ। देखिए, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, ये जो फूल हैं ये मेमोरी को, यानी कि जो एक स्मृति है और एक डिजायर को, कि क्यों ना जो है क्रिएशन जन्म ले, उसको दोनों को मिला देते हैं। मेमोरी इस बात की कि जो हुआ, ये दुनिया जो है एक बैरन लैंड है, लोग इमोशनली बैरन हो चुके हैं, इस धरती पर अब कुछ नई क्रिएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन लिलैक्स खिलकर एक उम्मीद जगा देते हैं कि हाँ अभी भी उत्पत्ति जो है वो की जा सकती है और अभी भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस जो हैं वो बचे हुए। स्टिरिंग, स्टिरिंग, स्टिरिंग ये मेमोरी एंड डिजायर है, इसका आगे का लाइन्स अलग अलग हैं तो मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ। ये नेक्स्ट सेगमेंट से है, एट द वायलेट आर व्हेन द आईज एंड बैक टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग आई टायरसेस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स। ये जो लाइन्स हैं ये इसके वेस्टलैंड के नेक्स्ट सेगमेंट में से हैं। वेस्टलैंड के पांच सेगमेंट हैं, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, व्हाट डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेट। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसी और सेगमेंट में से, एट द वायलेट आर व्हेन द आईज एंड बैक एंड टर्न अपवर्ड फ्रॉम द डेस्क व्हेन द ह्यूमन इंजन वेट्स लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग वेटिंग। वो कहता है एट द वायलेट आर कि यानी कि एक सांध्य बेला में, When the eyes and back turn, कि जब आंखें जो हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, When the human engine waits, कि when human beings wait, कि human engine यानी कि जब दिल जो है वो इस तरीके से wait करता है, Like a taxi throbbing waiting, जैसे कि एक टैक्सी रुकी हुई है किसी के इंतजार में और उसका इंजन जो है वो चलता रहता है, I tyrosis, tyrosis जो कि एक hermaphrodite है, यानी कि both men and women, through दो blind, कि मैं blind हूँ, थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स कि मैं जो है दो जिंदगियों के बीच में धड़क रहा हूँ, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ। टेरेसिस सिंबल है किस चीज़ का, कि जो मॉडर्न पीपल हैं, मॉडर्न लोग जो हैं, दे आर नीदर मैन दे आर नीदर वुमेन, यानी कि उनके अंदर फीलिंग्स जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। मैन लाइक फीलिंग्स लाइक पोटेंसी वो खत्म हो चुकी है, वुमेन लाइक फीलिंग लाइक फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस वो खत्म हो चुकी हैं। ये लोग जो हैं वो केवल इमोशनलेस हो चुके हैं। तो टेरेसिस जो कि इसका नरेटर है, जो कहानी को सुना रहा है, वो ये कहता है कि मैं भी दो जिंदगियों के बीच में धड़क रहा हूँ। तो ये जो लाइंस हैं इस तरीके से, हालांकि मैंने ये कम ही लाइंस अभी ली है, धीरे धीरे करके आपको टेक्स्ट और उसके बारे में बताऊंगी। तो टेक्स्ट जो है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा कि लिटरेचर को जो टेक्स्ट है, जो लंबी लंबी पोएम्स है उनमें से थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट जो है वो जो छोटी पोएम्स हैं उनको पूरा, और जो लंबी पोएम्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो जरूर पढ़नी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।